हेलो गाइस, आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये डेंटिस का प्लांट है। इसे चाइना पिंक भी कहा जाता है। ये विंटर का प्लांट है और अब इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो गई है और ये सूखने लगा है, इसलिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आप भी इसे विंटर तक के लिए सेव रखने के लिए किस तरह से कटिंग करें ताकि ये आपका विंटर तक प्लांट ऐसा का ऐसा ही रहे। तो इसकी कटिंग आप जितने भी फ्लावरिंग हो रही है उस पॉइंट्स को आप सारों को काट दीजिए, तो आपका ये प्लांट है जो विंटर तक ऐसा ही रहेगा और ये मरेगा। इसमें आप पानी भी ज़्यादा ना दें, पानी ज़्यादा देने से भी ये गल जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग आपको किस तरह से करनी है। जो भी जैसे ये फ्लावर्स सूख गए हैं तो आपको इनको यहाँ से बीच में से काट देना है। जैसे ये यहाँ से स्प्राउटिंग हो सकती है, वहाँ से आपको इसको काट देना है। इसी तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपका ये प्लांट और अच्छी ग्रोथ में आ जाएगा और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी इसमें। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसकी पूरी कटिंग कर दी है। तो जब भी इसमें कोई सूखी पत्तियां हो तो आप आपके प्लांट से सूखी पत्तियों को उसी टाइम तुरंत से हटा दें ताकि इसमें ज़्यादा कचरा इकट्ठा ना हो। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग भी आप कैसे लगा सकते हैं। तो अब आप इसकी कटिंग कैसे लगानी है वो देखिए। इसकी कटिंग लगाने के लिए हमने जो इसकी कटिंग की थी उसी की डंडियाँ लेकर और इनकी जो साइड्स की हैं उनको आप इस तरह से इसे काट दीजिए, ऊपर के भी हटा दीजिए। और ये पत्तियाँ वगैरह सब इसकी तोड़ के आप इसको इतना अंदर तक मिट्टी के अंदर घुसा दीजिए। इस प्लांट को आपको ज़्यादा तेज़ धूप में भी नहीं रखना है, दोपहर की तेज़ धूप में नहीं रखना है, सुबह सुबह की धूप में ही रखना है। इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे सीड्स से ही ग्रो किया हुआ है। काफ़ी कलर्स में अवेलेबल होता है, रेड, पिंक, वाइट, आप इसे किसी भी कलर्स में लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह इसके नए प्लांट्स भी निकल जाएंगे। और इसमें भी आपने जो कटिंग करी है तो इसमें नई नई स्प्राउटिंग होने लग जाएंगी यहाँ से, और आपका ये पौधा अगले साल विंटर तक भी एकदम अच्छा रहेगा। ओके।